नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। भाजपा प्रदेश प्रभारी दी पुंदेश्वरी अपने 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंची। आज दोपहर नियमित विमान से हैदराबाद से सीधे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां कई भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर दी पुंदेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह उनका दूसरा बस्तर प्रवास है और जो जिले छूट गए थे वहां जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगी और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में 2023 में होने वाले चुनाव में एकजुटता लाना। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में मिली जीत के बाद अब पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर रहेगा और प्रदेश की नाकामियों को जनता तक ले जाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत हासिल की जाएगी। वहीं पुंदेश्वरी ने कहा कि सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर के साथ साथ बस्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें 2023 के लिए तैयार करना और संगठन को मजबूत करना ही पार्टी का उद्देश्य है। जिस तरह भाजपा ने कार्यकर्ताओं वो जो काम करते हैं उसी का नतीजा है, अब 4 राज्यों में हमने विजय हासिल की है और हमारा मानना ये है कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी उत्साहित है और ज़रूर जिस तरह हम 4 राज्यों में जीत हासिल करें वैसे ही आने वाले चुनाव में 2023 में यहाँ पे भी हम वैसे ही जीत हम हासिल करेंगे। एक बार बस्तर दौरा आपका हुआ है? या ये दूसरी बार है। पिछली बार जब मैं आ रही थी 3 जिलों में मेरा दौरा हुआ, अब जो बचे हुए 4 जिले हैं उनमें मेरा दूसरे दौरा ये दौरा होगा मेरा। बस जैसे मैंने पहली बार संगठन पर नज़र डाली थी वैसे ही इसी इस बार भी संगठन कैसा है, कैसे हम आगे चलें, इन सभी विषयों को लेकर यहाँ के नेताओं से हमारी चर्चा हो। इसीलिए तो आए हैं, यहाँ के जो नेता हैं हमारे, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी से बैठकर आज बात करेंगे और व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। सारे मुद्दे हैं जो यहाँ की सरकार की जो असफलताएं हैं वो सब लेकर हम लोगों के पास जाएंगे, प्रजा के साथ जाएंगे और भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे।